फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बिरला जेनेटिक एकेडमी। जैसे कि हम कंटिन्यूसली पढ़ते जा रहे हैं IBPS FO के जो इंग्लिश के ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है, उसी के दौर में एक और नया कॉन्सेप्ट आज बताने जा रहा हूँ आपको, क्वेश्चन टेक। क्वेश्चन टेक क्या होता है कि कोई भी जो सेंटेंस होता है उसके अंत में लगने वाला एक छोटा सा सवाल। जैसे हम कहते हैं कि तूने खाना खाया या नहीं खाया, तो नहीं खाया मतलब ये क्या होगा, क्वेश्चन टेक हो गया। आपने आपके पूरे सेंटेंस पे एक क्वेश्चन लगा दिया, किया या नहीं किया, जाएगा या नहीं जाएगा। इसी तरीके से इंग्लिश में इसको हम कहते हैं क्वेश्चन टेक। जब भी कोई सेंटेंस होता है उसके अंत में लगने वाला छोटा सा सवाल क्वेश्चन टेक कहलाता है। लेकिन क्वेश्चन टेक डायरेक्टली हम नहीं लगा सकते, उसके कुछ रूल होते हैं किस तरीके से लगता है। तो उसमें से दो रूल आज आपको मैं बताने जा रहा हूँ, दो से तीन रूल है। इसके अलावा बाकी के रूल आपको कंटिन्यूसली बाद में बताऊँगा। पहला रूल है कि यदि सेंटेंस या वाक्य आपका और क्वेश्चन टेक दोनों का टेंस सेम होना चाहिए, वाक्य जिस टेंस में है क्वेश्चन टेक उसी टेंस में होना चाहिए। पहला रूल ये हो गया। दूसरा, यदि वाक्य पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टेक हमेशा नेगेटिव होगा, और यदि वाक्य नेगेटिव है तो क्वेश्चन टेक हमेशा पॉजिटिव होगा। पहला रूल क्या है, सेंटेंस और क्वेश्चन टेक दोनों सेम टेंस में होना चाहिए। और दूसरा रूल है, यदि वाक्य या सेंटेंस आपका पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टेक हमेशा नेगेटिव होगा, और यदि वाक्य या सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टेक हमेशा पॉजिटिव होगा। अब सवाल किस तरीके से आएगा, एरर फाइंड करने के लिए आए या क्लोज टेस्ट में आए या सेंटेंस इम्प्रूवमेंट करने के लिए आए, तो सवाल आपका किस तरीके से आएगा। मान लीजिए ये सवाल दे दिया आपको, ये पहला सेंटेंस लेते हैं, आई डोंट राइट लेटर। अब ये सेंटेंस हमें पता है नेगेटिव है, तो पहले तो हमारे माइंड में क्लिक होना चाहिए कि यदि सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टेक पॉजिटिव होगा। दूसरी कंडीशन, क्वेश्चन अपना सेंटेंस जिस भी टेंस में होगा उसी टेंस में आपका क्वेश्चन टेक होना चाहिए। दोनों रूल हमारे दिमाग में है, हमने पहले देखा ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, तो इसका मतलब यहाँ पे डोंट लगा है तो यहाँ पर सेम टेंस होना चाहिए, तो डू लगेगा क्योंकि ये नेगेटिव था ये पॉजिटिव था। दोनों रूल फॉलो कर लिए हमने, पहला सेम टेंस होना चाहिए तो यहाँ पर जो टेंस है उसी टेंस में हमने यहाँ पर क्वेश्चन टेक लगाया। दूसरा रूल क्या है, यदि क्वेश्चन टेक सॉरी सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टेक नेगेटिव होगा, और यदि सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टेक पॉजिटिव होगा। यहाँ पर सेंटेंस आपका नेगेटिव है इसलिए हमने यहाँ पे क्वेश्चन टेक पॉजिटिव लगाया, डू आई लिखा। इसी तरीके से नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, जैसे आई हैव कॉल्ड हिम अप। अब यहाँ पर हमें दिखा कि जो आपका सेंटेंस है ये किसमें है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, और सेंटेंस आपका पॉजिटिव है आई हैव कॉल्ड हिम अप। तो हमारा सिंपल दिमाग में आना चाहिए कि जो हमारा क्वेश्चन टेक होगा वो एक तो परफेक्ट टेंस में होगा, प्रेजेंट परफेक्ट में, और सेकेंडरी चीज़ नेगेटिव होगा। हम क्या लगाएंगे, हैवंट सेम टेंस हो गया और पॉजिटिव था तो हमने यहाँ पर नेगेटिव लगा दिया। इसी तरीके से एक थर्ड एग्जांपल लेते हैं, भीम वाज अ ग्लटन। अब यहाँ पर लगा है वाज, ये पास्ट टेंस की बात है, वाज लगा है इसका मतलब हमें वाज लगाना होगा, और ये पॉजिटिव टेंस में है तो ये नेगेटिव बनेगा, तो भीम वाज अ ग्लटन हमने इसका बनाया वाजंट ही। इसी तरीके से क्वेश्चन टेक के और भी रूल है जो आपको मैं PDF के माध्यम से प्रोवाइड कर दूंगा। आप यदि चाहते हो कि आपको फ्री में PDF मिलती रहे तो मेरे थंबनेल पर दिए गए नंबर पर आप हाई लिखकर व्हाट्सअप कर सकते हैं, उसके माध्यम से आपको बहुत सारे नोट्स जो हम PDF प्रोवाइड कर रहे हैं ऑलरेडी दूसरे स्टूडेंट्स को, आपको भी मिलती रहेगी। और यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।